ऑरेंज सिटी पे दीपावली की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, वैसे बाजारों में अतिक्रमण का बोलबाला भी बड़े जोर शोर से शुरू है। जी हाँ, बर्डे में फुटपाथ हो, सड़क हो या चौराहे, ये सब हॉकर्स ने इसके ऊपर में कब्जा जमा लिया है। हॉकर्स को स्थायी रूप से जगह नहीं दिए जाने के कारण हॉकर्स द्वारा बर्डे के फुटपाथ अब नदारद दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज सिटी में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बाद बाजारों में रौनक फिर से लौट रही है, लेकिन जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, बाजारों में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका उदाहरण वैरायटी चौक पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हद तो यह हो गई कि हॉकरों ने अब सुबह से ही फुटपाथ, सड़क और चौराहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे से ही हॉकर सड़कों पर अपनी दुकानें लगाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, हॉकरों ने तो वैरायटी चौक के ट्रैफिक बूथ को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जिस ट्रैफिक बूथ पर पुलिस कर्मियों को खड़े रहना चाहिए, वहां अतिक्रमणकर्ताओं ने बड़े ठाट बाट से कब्जा कर रखा है। हैरत की बात यह है कि अतिक्रमण न तो मनपा को दिखाई दे रहा है और न ही पुलिस को। सीतामढ़ी परिसर में अतिक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके मनपा और पुलिस कुंभकर्णी नींद में है। ट्रैफिक बूथ पर जूते चप्पल, लेडीज ड्रेस और भी कई प्रकार की सामग्री की दुकानें लग गई हैं। गौर करने की बात तो यह है कि वैरायटी चौक पर ही ट्रैफिक पुलिस बूथ में कई जवानों की ड्यूटी लगी रहती है। वे वही मंडराते रहते हैं, लेकिन सड़कों से हॉकर को हटाने का काम नहीं करते। उनकी नजरों के सामने ट्रैफिक जाम होता रहता है, लेकिन उन्हें इसकी चिंता तक नहीं। सिटी में चार्ज संभालने के बाद सीपी अमितेश कुमार ने वैरायटी चौक का दौरा किया था। बावजूद इसके अतिक्रमणकर्ताओं को खदेड़ा नहीं जा रहा है। मनपा का अतिक्रमण उन्मूलन दस्ता भी कई दिनों से इस ओर फटका नहीं लगाता है। किसी को भी चिंता नहीं है। सड़कों पर अतिक्रमण के साथ पार्किंग की समस्या बन गई है। वैरायटी चौक से अभ्यंकर रोड और आसपास की सड़कों पर अतिक्रमण और वाहनों की पार्किंग के कारण 20 फुट की सड़क 8 फुट या उससे भी कम हो गई है। दोपहर 3 बजे के बाद तो यहाँ की परिस्थिति और भी भयानक हो जाती है। अतिक्रमण, पार्किंग, ऑटो रिक्शा के कारण सड़क पर केवल एक कार गुजरने जितनी ही जगह बची रहती है। सिग्नल छूटने के बाद पूरा ट्रैफिक इस ट्रैफिक बूथ के पास आकर रुक जाता है। इस बीच कई बार वाहन चालकों की अतिक्रमणकर्ताओं और ऑटो रिक्शा चालकों से भी बहस होती है। हर दिन नागरिकों को यातायात में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मनपा और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।